सीआरपीसी सेक्शन 16, 17, 18 और 19 बहुत आसान है, बहुत जल्दी समझ में भी आ जाएगा। बस आपको तीन बातें पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि मेट्रोपॉलिटन एरिया होता क्या है। मेट्रोपॉलिटन एरिया वही होता है जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख या उससे ज़्यादा होती है, जैसे मुंबई हो गया, अहमदाबाद हो गया, चेन्नई हो गया, फरीदाबाद हो गया, कानपुर हो गया। दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कि मजिस्ट्रेट कितने टाइप के होते हैं। एक तो चीफ, उसके नीचे फर्स्ट कैटेगरी, उससे नीचे सेकंड कैटेगरी, उससे नीचे कार्यपालक। तीसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी इंसान, कोई भी आम इंसान अपना केस कैसे दर्ज करवाता है कोर्ट के अंदर। देखो कैसे, ये चीज़ मस्ट है, ये सीख गए ना सारे सेक्शन सीख जाओगे, 16, 17, 18, 19। ये कोई एरिया है, ऐसा एरिया जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया है, मुंबई मान लेते हैं, ये मुंबई है, ठीक है। यहाँ पर बना हुआ है एक कोर्ट और यहाँ पर रहते हैं कुछ लोग इस एरिया के अंदर। अब इन लोगों को अपनी शिकायत दर्ज करवानी है तो कहाँ जाएंगे? कोर्ट के अंदर जाएंगे, क्योंकि न्याय चाहिए तो कोर्ट ही है, और कोई ऑप्शन नहीं है। और न्याय के लिए बना होता है कोर्ट, ताकि इंसानों को न्याय मिल सके। अब इसको न्याय चाहिए और न्याय के लिए क्या करेगा, किसी इंसान के ऊपर केस करेगा ताकि इसको न्याय मिल सके, और उसी के लिए जाएगा कोर्ट में। या तो डायरेक्ट कोर्ट में जाएगा, वकील से मिलेगा, केस दर्ज करवाएगा। अगर वहाँ पर बात नहीं बनी तो या अपने एरिया के अंदर जो थाना बना हुआ है वहाँ पर मुकदमा दर्ज करवाएगा और थाने वाले मुकदमा दर्ज कर देंगे। दोनों बात समझ में आई? लेकिन अगर डायरेक्ट जाएगा तो एक दिन लग जाएगा, मुंबई बहुत बड़ा है, और जब तक जाएगा तब तक तो कोर्ट की छुट्टी हो जाएगी, तो वापस आएगा, फिर थाने में आके मुकदमा दर्ज करवा के फिर केस करेगा। लेकिन कुछ भी कर लो भैया, जाना तो इसको खुद को ही पड़ेगा, चाहे ऑनलाइन केस दर्ज करवा लो। अब इसको आने जाने में असुविधा हुई और पूरी मुंबई एक ही कोर्ट के भरोसे है, तो सीधी सी बात है तारीख भी नहीं मिलेगी, एक साल के बाद तारीख मिलेगी, क्योंकि वर्कलोड इतना बढ़ जाएगा। और जब टाइम पे तारीख नहीं मिलेगी और टाइम पे न्याय नहीं मिलेगा, तो फिर वो न्याय है किस काम का? तो अब ये क्या करेगा? अकेला नहीं, इस एरिया के लोग क्या करेंगे? मैंने इसी एरिया का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि सबसे दूरी यही है। अब इस एरिया के लोग हो गए दुखी कि भैया जब टाइम पे न्याय नहीं मिल रहा, फिर ऐसी कोर्ट किस काम की? फिर वो कहाँ जाएंगे, किसके कान खाएंगे? सरकार के कान खाएंगे कि सरकार हमने आपको वोट दिए और हमको टाइम पे न्याय नहीं मिल रहा। तो सरकार पूछेगी कोर्ट से, हाँ भैया क्या बात है? तो कोर्ट क्या कहेगी? जो कोर्ट का जो चेयरमैन होगा उससे पूछेगी, चेयरमैन क्या कहेगा? हम क्या करें, हमारे कर्मचारी तो अपना काम सही कर रहे हैं, टाइम टू टाइम कर रहे हैं, अब ओवरलोड इतना तो हम क्या करें भाई, ये बता दो, हम खाली बैठे हुए हैं, तब तो हमारा कसूर। अब ये बात भी सही, फिर अब क्या करेगी सरकार? अब या तो कोई, देखो ये एरिया स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में हो सकता है, ये एरिया सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में हो सकता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है तो जिस एरिया में ये है उसके हाई कोर्ट से बात करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, कि भैया इसका सुझाव क्या है। तब वहां पे हाई कोर्ट उनको सजेस्ट करेगा, इससे पूछ के या इसका वर्कलोड देख के कि इस कोर्ट के अंदर कितना वर्कलोड है, तो इसी के अनुसार कितने कोर्ट्स और बनाने चाहिए। यही कहता है आपका सीआरपीसी सेक्शन 16 कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट हाई कोर्ट से सजेस्ट लेगा। किस हाई कोर्ट से? जिस हाई कोर्ट के अंदर में ये मेट्रोपॉलिटन एरिया है, कि इस मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर भाई लोगों को न्याय मिल सके, उनको कम से कम असुविधा हो, इसके लिए क्या करना चाहिए, कितने कोर्ट्स और बनाने चाहिए। तब हाई कोर्ट उनको सजेस्ट करेगा कि आप है ना भाई, यहाँ पे वर्कलोड देखते हुए, जितना यहाँ पे वर्कलोड है उस हिसाब से आप तीन कोर्ट्स और बना दीजिए। ये कौन सजेस्ट करेगा? हाई कोर्ट सजेस्ट करेगा, ठीक है भैया तीन कोर्ट बना देंगे। तब सरकार ने कहा क्या, तीन कोर्ट इसी के बगल में बना देते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, फिर ठीक है? हाई कोर्ट ने मना कर दिया, नहीं यहाँ पे ठीक नहीं है, आप यहाँ पे ना बना के एक हाई कोर्ट, सॉरी एक कोर्ट यहाँ पे बनाइए, एक कोर्ट यहाँ पे बनाइए और एक कोर्ट यहाँ पे बनाइए, ताकि लोगों को आने जाने में असुविधा ना हो। अगर आप चारों के चारों कोर्ट्स यहाँ पे बना देंगे तो लोगों को वही दुविधा रही आने जाने वाली। ये सुजेस्ट किसने किया? हाई कोर्ट ने कहा। यही कहता आपका सीआरपीसी सेक्शन 16। समझ में आया कि सेंटर की गवर्नमेंट या फिर स्टेट की गवर्नमेंट हाई कोर्ट से सुजेस्ट लेगी कि हमको इस एरिया के अंदर कितनी कोर्ट्स और बनानी चाहिए, ताकि लोगों को सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, उनको असुविधाएं कम से कम हो। फिर हाई कोर्ट सुजेस्ट करेगा कि कितने कोर्ट्स और बनाने चाहिए और किस जगह पे बनाने चाहिए। क्लियर? अब इसका हो गया बंटवारा एरिया का, कि ये जो कोर्ट है ये इस एरिया तक की सुनवाई करेगी, ये जो कोर्ट है इस एरिया तक की सुनवाई करेगी, ये कोर्ट इस एरिया, ये यहाँ पर कोई थाना बना हुआ है, उस थाने के अंदर कोई एप्लीकेशन आ गई, अब ये थाने वाला जो SHO है ये किस कोर्ट में मुकदमा दर्ज करेगा, इसमें करेगा, इसमें करेगा, इसमें करेगा, ये इसमें करेगा। समझ गया ना आई थिंक? तो यही कहता है आपका सीआरपीसी सेक्शन 16। पहली बात क्लियर हुई। दूसरी बात ये कहता है कि हाई कोर्ट, ये जो कोर्ट्स बने हुए हैं, जो नई कोर्ट बनी है, जो नई बिल्डिंग बनी है, इनका एक चेयरमैन बनाएगी किसी व्यक्ति को, और कौन बनाएगी? हाई कोर्ट बनाएगी।
तीसरी बात ये कहता है इन हाई कोर्ट के अंदर जो मजिस्ट्रेट बैठेंगे फर्स्ट कैटेगरी का, सेकंड कैटेगरी का चीफ बैठेगा, जो भी मजिस्ट्रेट इन, देखो बिल्डिंग है खाली, बिल्डिंग कोर्ट कब बनेगी, जब उसके अंदर मजिस्ट्रेट बैठेंगे तभी तो कोर्ट कहेंगे, तो उन सभी मजिस्ट्रेट के पास में सभी पावर होगी अपने एरिया के अंदर में, अंडर में जिस एरिया के अंदर वो कोर्ट है ना वहाँ पे उसके पास सभी पावर होंगी उन मजिस्ट्रेट के पास में। ये कौन कहता है? हाई कोर्ट कहता है। सीआरपीसी सेक्शन आई थिंक क्लियर होना चाहिए, सीआरपीसी सेक्शन समझ में आया नहीं आया मेरे को जरूर बताएं। सीखते हैं सीआरपीसी सेक्शन 17, चीफ एंड एडिशनल चीफ मजिस्ट्रेट। देखो ये जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है इसके अंदर बना दी कोर्ट, कैसे बनाई 16 में हमने सीख लिया, एक चार कोर्ट बना दी। अब इन चारों कोर्ट के अंदर एक एक चीफ मजिस्ट्रेट होगा, होगा बिल्कुल होगा, लेकिन वो चीफ मजिस्ट्रेट आएगा कहाँ से, कहाँ से आएगा? जो भी फर्स्ट कैटेगरी का मजिस्ट्रेट है या जो सेकंड कैटेगरी का मजिस्ट्रेट है उसको प्रमोट कर देगी हाई कोर्ट। कोई भी जैसे दूसरी कोर्ट का कोई फर्स्ट कैटेगरी, देखो एक जगह से दूसरी जगह अगर कोई जाएगा तबादला होगा तो सीधी सी बात है प्रमोशन लेगा। अगर कोई फर्स्ट कैटेगरी का मजिस्ट्रेट है अगर उसको गवर्नमेंट प्रमोट करेगी, कोई भी हाई कोर्ट उसको प्रमोट करेगी तो क्या बन जाएगा? चीफ मजिस्ट्रेट बन जाएगा। तो इस कोर्ट का बन गया चीफ मजिस्ट्रेट। और कोई भी जो सेकंड कैटेगरी का मजिस्ट्रेट है उसको प्रमोट करके क्या बना सकती है? एडिशनल, यानी कि अपर मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ मजिस्ट्रेट, ठीक है। और एडिशनल का काम क्या होता है? एडिशनल का काम वही होता है ना, अगर चीफ साहब छुट्टी पे हो, बीमार हो गए हो, या इसके पास काम का ओवरलोड हो गया हो, तो इसका काम वो संभाल लेगा। ये बात समझ में आई? तो ये बातें आपको समझ में आई या नहीं आई मेरे को जरूर बताएं। ये था आपका सीआरपीसी सेक्शन 17। सीआरपीसी सेक्शन 18 ये कहता है स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, इस एरिया के अंदर कोई भी स्पेशल केस हो गया, कोई भी ऐसा दंगा हो गया और सरकार चाहती है कि वो मामला अलग से सुलझ जाए, यानी कि इन कोर्ट के ऊपर उसका कोई बर्डन ना आए, वो अलग से सुलझ जाए, तो वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हाई कोर्ट से परमिशन लेगा, हाई कोर्ट से आवेदन करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि हम ऐसे ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट नियुक्त कर रहे हैं, और उस व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट कर सकते हैं जो पहले से कोई गवर्नमेंट कर्मचारी हो, ठीक है, वो मजिस्ट्रेट बनने के लायक हो, और हाई कोर्ट उनको तभी परमिशन देगा जब हाई कोर्ट को लगता है कि इस इंसान को भाई कानूनी जानकारी अच्छे से है, तब ये मजिस्ट्रेट बनने के लायक है। तो तब राज्य सरकार या केंद्र सरकार हाई कोर्ट से अनुरोध करके, रिक्वेस्ट करके किसी इंसान को स्पेशल मजिस्ट्रेट बना सकती है इस मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर किसी स्पेशल केस के लिए, और कम से कम एक साल के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा भी एक साल के लिए। एक साल से पहले उसको ये नहीं कहेगी जैसे तीन महीने में केस सुलझ गया अब तू कौन मैं कौन, नहीं, एक साल तक वो स्पेशल मजिस्ट्रेट रहेगा, और वो रहेगा तो उसके पास पावर भी रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर कोई फर्स्ट, यहाँ पर कोई भी मजिस्ट्रेट है, कोई भी मजिस्ट्रेट है, मान के चलो सेकंड कैटेगरी का मजिस्ट्रेट है, फर्स्ट कैटेगरी का मजिस्ट्रेट है, या चीफ मजिस्ट्रेट है, या फिर जैसे स्पेशल मजिस्ट्रेट है, अगर ये अपने एरिया से बाहर गए, इस एरिया में चले गए, तो यहाँ पे उसके पास पावर होगी? बिल्कुल होगी। अगर वो फर्स्ट कैटेगरी का मजिस्ट्रेट है तो उसके पास फर्स्ट कैटेगरी की पावर होगी, और सेकंड कैटेगरी का मजिस्ट्रेट है तो सेकंड कैटेगरी की पावर उसके पास होगी। है तो मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर ही, अगर वो अपने एरिया से बाहर जाएगा ना तब भी उसके पास वो पावर रहेगी, क्योंकि चाहे वो स्पेशल बना रखा हो, सेकंड कैटेगरी हो, फर्स्ट कैटेगरी हो। ये बात समझ में आई? सीआरपीसी सेक्शन 19, सब ऑर्डिनेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अब ये किसके अधीनस्थ होगा और इसके अधीनस्थ कौन होंगे, ये चीज़ तो मैं आपको सिखा ही चुका हूँ पहले, बताने की आई थिंक जरूरत होनी नहीं चाहिए। देखो सेशन कोर्ट के नीचे कौन होगा? चीफ मजिस्ट्रेट, और चीफ के नीचे फर्स्ट कैटेगरी, और इसके नीचे सेकंड कैटेगरी, और इसके नीचे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, और इसके और इसके बीच में एडिशनल, और एडिशनल, एडिशनल कहाँ से आया? हाई कोर्ट लेके आया। हाई कोर्ट कहाँ से लेके आया? किसी सेकंड कैटेगरी के मजिस्ट्रेट को या फर्स्ट कैटेगरी के मजिस्ट्रेट को प्रमोट करके उसने एडिशनल चीफ मजिस्ट्रेट बना दिया, ठीक है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम जब ये छुट्टी पर हो, या इसके पास काम का ओवरलोड हो जाए, बीमार हो जाए, या कुछ ऐसे दाएं बाएं गया हो, तब केस की सुनवाई ये कर सकेगा। लेकिन इसके पास भी पावर बराबर की होती है, इसके पास भी पावर बराबर की होती है। बराबर का मतलब है जो चीफ मजिस्ट्रेट के पास में पावर होती है ना, वही पावर एडिशनल चीफ मजिस्ट्रेट के पास में होती है, लेकिन वो हाई कोर्ट तय करेगा। अब ये इसके सबऑर्डिनेट होगा या नहीं होगा, पावर तो दोनों के पास बराबर है, ये बात हाई कोर्ट तय करेगा। अगर हाई कोर्ट ने इसको कह रखा है हाँ भाई तेरे पास है ना चीफ वाली सारी पावर है, पर तू काम उससे पूछ के करेगा, लोकल लो बात, अब तो इसके नीचे आ गया ना, तो ये इसका सबऑर्डिनेट हो गया, ये कहता है। अगर इसके पास भले ही चीफ वाली सारी पावर है, देखो एक हो गया ये चीफ मजिस्ट्रेट, ये हो गया एडिशनल, ये हो गया एडिशनल, ये ऐसे बैठे हुए हैं, ये चला गया छुट्टी पे, ये आ गया इसकी सीट पे, क्योंकि केस की सुनवाई तो अब ये करेगा,
सीट पे आ गया तो सीधी सी बात, अब ये चीफ बन गया, बेशक एडिशनल हो, एडिशनल चीफ मजिस्ट्रेट है, लेकिन अब काम क्या कर रहा है, चीफ मजिस्ट्रेट का काम कर रहा है, तो सारी पावर आ गई ना, तो पावर दोनों की बराबर हो गई, तो अब ये इसका सबऑर्डिनेट होगा, ये इसके सबऑर्डिनेट होगा, यही इसका सबऑर्डिनेट होगा, क्योंकि ये इससे पूछ के करेगा। जैसे कोई केस आया तो पहले पूछेगा, जी जनाब वो आपने तारीख दी थी ना, वो तारीख आ गई है, क्या करना है, अगली तारीख दे दें, ठीक है जी, तो एडिशनल साहब ने अगली तारीख दे दी, यानी कि इससे पूछ पूछ के किया है। तो सेशन के नीचे चीफ, चीफ के नीचे एडिशनल, एडिशनल फर्स्ट सेकंड, ये इसके अधीनस्थ होंगे, इसके नीचे काम करेंगे, इनसे पूछ के काम करेंगे। तो सीआरपीसी सेक्शन 16, 17, 18 और 19 मैं एक बार कंप्लीट रिवाइज कर देता हूँ। 16 कहता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल की गवर्नमेंट हाई कोर्ट से पूछ के कोर्ट्स बनाएगी, कोर्ट मतलब बिल्डिंग बनाएगी, और फिर हाई कोर्ट उस उन्हीं बिल्डिंगों का एक चेयरमैन बनाएगी, अध्यक्ष बनाएगी, पीठासीन बनाएगी, फिर उसके अंदर मजिस्ट्रेट भर्ती करने स्टार्ट कर देंगे, और मजिस्ट्रेट किसी को चीफ बनाएगी तो चीफ का एक एडिशनल भी बनाएगी, वो कहाँ से उठाएगी, किसी फर्स्ट कैटेगरी के मजिस्ट्रेट को प्रमोट कर देगी या किसी सेकंड कैटेगरी के मजिस्ट्रेट को प्रमोट कर देगी। आपका सीआरपीसी सेक्शन 17 कहता है, हाँ ये तो खैर बता ही चुका हूँ, सीआरपीसी सेक्शन 18 कहता है अगर कोई स्पेशल केस हो जाता है तो कोई भी राज्य सरकार उसके लिए कोई स्पेशल मजिस्ट्रेट बना सकती है, लेकिन हाईकोर्ट से पूछ के उसकी परमिशन लेंगे, और हाई कोर्ट परमिशन तभी देगा जब वो इंसान लायक होगा और उसको सभी पावर मिलेगी, और कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा एक साल के लिए उसको अपॉइंट किया जाएगा, और उसको मजिस्ट्रेट वाले सारी पावर मिलेगी। अगर कोई आदमी बन भी गया एक साल के लिए, जैसे मजिस्ट्रेट के पास में पावर है कि धारा 144 लगानी है, लगा देगा, जो एक साल के लिए बना हुआ ना वो भी लगा सकता है भैया, क्यों, वो पावर है उसके पास में। और सबऑर्डिनेट कौन होगा, ये किसके सबऑर्डिनेट होगा और इसके सबऑर्डिनेट कौन होगा, ये बात तुम आपको बता ही चुका हूँ। कोई भी डाउट आया हो मेरे को ज़रूर बताएं, समझ में आया हो, कोई और सुझाव देना चाहते हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सीखते हैं नेक्स्ट सेक्शन, थैंक यू।